हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आपका स्वागत है। फिल्म बाटला हाउस का गाना ओ साकी साकी रिलीज हो चुका है, जिसे देखने के बाद हर कोई नौरा के डांस का दीवाना हुए जा रहा है। कमरिया दिलबर गाने के बाद एक बार फिर अपने लटके झटकों से नौरा ने ऑडियंस का दिल जीत लिया है। जहाँ एक तरफ इस गाने को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी हसीना भी हैं जिसे गाना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा। दरअसल ये तो हर कोई जानता ही है कि ये गाना 2004 में आई संजय दत्त की फिल्म मुसाफिर का रीमेक वर्जन है। इस गाने में कोयना मित्रा ने अपनी अदाओं से हर किसी को घायल कर दिया था, लेकिन कोयना को अपने सुपरहिट गाने का वर्जन कुछ रास नहीं आया और ट्विटर के जरिए मैडम का दर्द छलक गया। कोयना ने गाने के रिलीज होते ही एक ट्वीट किया और लिखा कि माई सॉन्ग फ्रॉम मुसाफिर साकी साकी हैज बिन रिक्रिएटेड। सुनिधि, सुखविंदर, विशाल, शेखर कॉम्बिनेशन वॉज आउटस्टैंडिंग। डिड नॉट लाइक द न्यू वर्जन, इट इज अ मेस। दिस सॉन्ग हैड क्रैश्ड मैनी ब्लॉकबस्टर्स। वाई बाटला हाउस वाई? पीएस, नौरा इज अ स्टनर, होप शी सेव्स आवर प्राइड। इतना ही नहीं, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कोयना ने अपने दिल की बात की और इस गाने को लेकर कहा कि आई सॉ द न्यू साउंड ट्रैक एंड आई डिड नॉट लाइक द रीमेक ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग ओ साकी साकी। द वीडियो कुड हैव बीन शॉट मच बेटर। आवर वीडियो वॉज वेरी पावरफुल, इट हैज अ सेपरेट फैन बेस एंड अ ग्रेट रेपुटेशन। I feel such iconic songs should not be touched. Nowadays, most films are using old songs and remixing them. Saki Saki and Musafir is not old. It is still fresh in our mind. I thought it was too early to recreate it again. वहीं अगर बात करें फिल्म की, तो निखिल अडवाणी के डायरेक्शन में बनी बाटला हाउस 15 अगस्त के मौके पर रिलीज होगी। वेल, अब ये फिल्म क्या धमाल मचाएगी ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा, लेकिन आप तब तक हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको नौरा का वो साकी साकी गाना कैसा लगा।